आखिरकार जो बाइडेन ने साफ कर दिया है कि वो 2024 में होने वाले यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शन में उतरने का मन बना रहे हैं। उन्होंने 15 अप्रैल को आयरलैंड में एक रैली में कहा था कि वो इसकी तैयारियां कर रहे हैं। अब न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक बाइडेन 25 अप्रैल को चुनाव लड़ने का ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर सकते हैं। वो एक वीडियो के जरिए इसकी घोषणा करेंगे। इस मामले की जानकारी रखने वाले एक अधिकारी ने कहा, प्रेसिडेंट बाइडेन ने फिलहाल कोई तारीख तय नहीं की है। 2019 में 25 अप्रैल के दिन ही उन्होंने 2020 का चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। तब भी उन्होंने एक वीडियो जारी कर इलेक्शन कैंपेन शुरू किया था, इसलिए माना जा रहा है कि वो 25 अप्रैल को ही 2024 इलेक्शन लड़ने का ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर सकते हैं। हालांकि घोषणा की तारीख आगे बढ़ने के चांस भी हैं। बाइडेन अमेरिका में राष्ट्रपति पद संभालने वाले सबसे बुजुर्ग नेता हैं। 80 साल के डेमोक्रेट नेता ने 20 जनवरी 2021 को राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। उन्होंने रिपब्लिक के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को हराकर अमेरिका की सत्ता हासिल की थी। अगर वो 2024 का इलेक्शन जीत जाते हैं तो ये उनका दूसरा कार्यकाल होगा। इसे खत्म होते तक बाइडेन 86 साल के हो जाएंगे। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।